हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव एस्ट्रो टॉक। जैसे हमने बात की थी कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम थोड़ा सा जल्दी आएंगे और आपको शुक्र और चंद्र दिखाएंगे। सो अभी ये जो टेलीस्कोप से आप व्यू देख रहे हो, इट इज़ अ व्यू ऑफ वीनस, नॉट ऑफ द मून। तो अभी वीनस को हमने बहुत मैग्निफाइड विजन पे रखा हुआ है। सो कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर में हमें उसे रीसेट करना पड़ेगा। यस, दिस इज वीनस। ये शुक्र का ग्रह है। जैसे हम बात करते हैं फेजेस की, जो वीनस एंड मर्क्यूरी में हमें दिखाई देते हैं, सो राइट नाउ यू कैन सी अ ब्यूटिफुल क्रिसेंट व्यू ऑफ द वीनस। सो यहाँ पर आपको अभी इस कैमरा के व्यू से मून दिख रहा है एंड उसी के नीचे आपको वीनस दिखेगा। एंड नाउ अगर आप खुले में हैं और अगर आपको स्काई दिख रहा है वेस्ट होराइजन, तो मून के पैरेलल लाइन में ही आपको एक और बहुत ही छोटा सा फेंट सा एक स्पॉट दिखेगा एंड दैट फेंट स्पॉट इज ऑफ अ मर्क्यूरी, यानी कि बुध का ग्रह है। सो अभी जूम्ड आईपीसी लगा हुआ है और आई एम ट्राइंग टू go with mercury, लेकिन mercury के लिए अभी मेरे यहाँ से एक tree थोड़ा barrier बन रहा है। तो चलो आपको आज का चांद दिखा देते हैं। Yes, moon is here. You can see beautiful crescent thin line of the moon. तो हमारे जो भी मुस्लिम व्यूअर्स हैं उन सब के लिए ये आज का मून का शो, क्योंकि रमज़ान का जो उनका मून होता है, रमादान का, वो उनके लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उनके जो फास्ट होते हैं, रोज़े जिसे कहते हैं, वो आज उनका आखिरी रोज़ा होगा, यानी कि फाइनल जो रोज़ा होगा वो आज के दिन उनका ख़त्म होगा। कल से उनके नॉर्मल डेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी मैं किशन के साथ हूँ। किशन, कैन यू चेंज द आईपीस? या सो हम सबको जो मून है वो ज़्यादा क्लियर वे में दिखा पाएं। सो अभी जो हमने व्यू देखा, थैंक यू दयाराम सर। दयाराम जी हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी नींव के पत्थर हैं, और जब भी वो हमारे साथ किसी भी इवेंट में होते हैं तो हमें उसके डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी चिंता नहीं रहती। बट इट्स अबाउट व्हाट? Yes sir, you are asking about Nike? So, moon जो है वो wide angle पे set हो चुका है and now we are going to show you it through the wide angle. Yes, here it is. Yes, it's in a center. So, अभी देखिए, आपको एक बहुत ही प्यारा सा फेनोमेना दिखेगा। Right now when we are observing the moon, तो आपको मून की एक ब्राइट
कोर दिखेगी, ब्राइट जो पोर्शन है वो दिखेगा, और साथ में आपको परफेक्ट राउंड शेप भी नजर आ रहा है. कैन यू गाइस सी द परफेक्ट राउंड शेप ऑफ द मून? ब्राइट एक को लाइन जो हम मून की देख रहे हैं वो तो दिखेगी, साथ में आपको कंप्लीट एक हल्का और फेंट राउंड नजर आएगा. सो अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है तो कुछ इशारा कीजिए, थम्स अप दीजिए, हार्ट्स भेजिए या फिर यस लिखिए. ओके, देयर आर सो मेनी हार्ट्स आर कमिंग नाउ. सो ये जो हम पूरा जो मून देख रहे हैं, इट इज नोन एज अ अर्थ शाइन मून. इस फेनोमेना में क्या होता है कि जैसे अभी मून की जो लाइट है वो हमारी अर्थ पे पड़ती है, राइट? नाउ सिमिलर वे मून जो अर्थ की ऊपर जो लाइट पड़ती है, जैसे हमने फुल मून की रात को हम अगर देखते हैं तो क्या होता है कि फुल मून में हमें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, उतना ब्राइट मून लाइट होता है. सो वैसे ही अर्थ के ऊपर जो सन की लाइट पड़ती है वो भी अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर मून के ऊपर पड़ती है. सो ये जो डार्क रीजन है वहाँ पर हमारी अर्थ का ही व्यू मिल रहा है, लाइट वहाँ पर पड़ रही है और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अभी हमारे तक आ रही है. यस धीरेन जी, एज वी टॉक कि आज थोड़ा चांद भी स्पेशल है और चांद के बिल्कुल बगल में मर्क्यूरी भी है. नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू वॉच द मर्क्यूरी वीनस एंड मून स्ट्रायो. जैसे उल्टा अपना काटकोण त्रिकोण होता है वैसा ही बनता हुआ. सो दिस इज द व्यू ऑफ द मून एंड द फेनोमेना ऑफ अर्थली शाइन मून, ये हमने आज समझा. सो आज के लिए टेलीस्कोप व्यू जो है वो इतना ही करेंगे. बाकी सीधा नीचे चलते हैं. अभी देखिए ये जो व्यू है उसमें आपको मून एंड वीनस बोथ आर क्लियरली विजिबल, लेकिन मर्क्यूरी इसमें शायद देखना मुश्किल है. सो आने ध्यान रखियो त्या सुधी ते आकाश दर्शन के कहीं करव जो है कहीं तो एवं तो नीचे चांदनी जैन जरा अवाज दी चांदनी जैन अवाज दी आने लई ले. सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड आई वुड लाइक टू एड मिस्टर निकुंज जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं. नाउ वी आर ऑन एस्ट्रो टॉक अगेन. सो वेर इज निकुंज, हाउ आर यू? वेटिंग यू टू ज्वाइन. Hello Nikunj, welcome to Astro Talk. Everyone can see me, okay. Yes, agar Nikunj aur main, mera view, dono ka theek aa raha hai, to thumbs up dijiye, kuch ishaara kijiye taki hume pata chale. Everything is clear and fine. निकुंज, 11 से 12 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होता है कि कुछ अपने बारे में बताइए. वैसे मुझे मालूम है कि आपको अपनी तारीफ करने इतना वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कहूंगा कि अपने मुंह थोड़ी अपने कुछ तारीफों के पुल बांधे, कुछ अपने बारे में बताएं ताकि सभी को पता चले कि हम किस महान हस्ती के साथ बात कर रहे हैं, किस परफेक्ट फोटोग्राफर के साथ बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द जॉइनर्स, चिराग गोहिल, अर्धज्ञ वोरा, रंजीत,
Paras Joshi and many more are there. Thank you so much. Yes, thank you. Thanks for coming. So I'm reintroducing myself. और सब सब लोग आप सब लोग जानते ही हैं मोस्टली, क्योंकि सब लोग एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी ग्रुप से हैं, तो वी ऑल आर नोइंग ईच अदर. सो माई सेल्फ इज निकुंज रावल. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दोज हु आर द स्टार गेजिंग मेंबर्स. एंड प्रोफेशनली आई एम एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर फॉर लास्ट 10 years, एंड आई वर्क एंड लिव इन जामनगर. But my hometown is Gandhinagar, and my most passionate hobby is astronomy first, and then later astrophotography, and few more hobbies are there which we will not discuss here. बात करते ही हैं क्योंकि music is also coming from space, from your heart. So yes, so. Poetry, music and astronomy, these all three they remain in focus. कभी एस्ट्रोनॉमी करता हूँ एक आध वीक, फिर कुछ दिमाग चला जाता है पोएट्री में, फिर वापिस से म्यूजिक में, एंड दिस सर्कल गोज ऑन. तो आपका एक गाना सुना दे क्या? अरे अरे अभी गाना सुने. जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो म्यूजिक की हॉबी है, आपका जो पैशन है, तो वो भी इतना बढ़िया है कि एक गाना तो बनता ही है आपका. यस ओके ओके यस. अच्छा ये कुछ गाना चला रहा था, मैंने सोचा मैं तो गा रही था, कहाँ जाए. ओके यस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग निकुंज का है. यस यस, मायर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. यस यस, थैंक यू दयाराम भाई. थैंक यू. कांपती थी पलके मायरी, चुनिया सजा के वो देती वादे कल के मायरी. मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चासनी सी हर उसकी बात. मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रो दी, मायरी याद वो, याद वो आयरी. यस यस, थैंक यू. स्टार्ट जो अगर म्यूजिकल हो जाए और बहुत ही बढ़िया सा गाने के साथ, तो और क्या चाहिए. सो ये बताइए कि पहले एस्ट्रोनॉमी का शौक लगा या म्यूजिक का लगा? नहीं नहीं पहले तो एस्ट्रोनॉमी का लगा था. ओके, सो एस्ट्रोनॉमी का शौक कैसे लगा, कब से लगा, और आखिर क्या हुआ कि जो आप एस्ट्रोनॉमी के प्यार में पड़ गए? एस्ट्रोनॉमी में जो मेरा फर्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट था, इट वाज ईयर 1997 में. माय फादर टोल्ड मी, माय फादर हैड रेड इन सम न्यूज़पेपर दैट सम कॉमेट इज अबाउट टू अपीयर. It was March month. I was in 7th standard. मैं 7th standard में था, March month 1997. और हम लोग evening walk के लिए निकले थे, and my father showed me a great comet of 1997. नाम है उसका comet Hale-Bopp. Yeah. Comet Hale-Bopp. I remember that. Yes, I still remember. हाँ. वो मेरे पापा ने मेरे को दिखाया west in the west direction. It was setting. मतलब कुछ कुछ याद है मेरे को. It was visible in west direction. और वो मेरा उसकी first, जो टेल थी वो पूरे स्काई में एक एंड से दूसरे एंड तक जाती थी. हाँ, अराउंड मैग्नीट्यूड भी अच्छा खासा था उस टाइम. मैग्नीट्यूड का भी कुछ नॉलेज नहीं था, पर इट वाज वेरी नाइस ब्राइट विजिबल. तो वो मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट था. तो दिमाग में अरे यार ये तो बढ़िया सा है, क्या एकदम फैसिनेटिंग हो गया मैं. और उसके बाद से आफ्टर 1997 आई गॉट इनटू लव विथ एस्ट्रोनॉमी. तो उसके बाद 1999 में माय फादर मेक मी बॉट अ न्यू बाइनोक्यूलर फॉर मी. वो मेरे को याद है, अभी भी मेरे पास है 20-50 का, 20x50 का ओपेरा का बाइनोक्यूलर. आई स्टिल वॉच इट, एंड इट वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर मी. यस ओके. सो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं
जिनका जो ट्रिगर पॉइंट होगा, या फिर हम ऐसा कह हाँ सकते हैं कि हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का ट्रिगरिंग पॉइंट वो हेल्प ऑफ कॉमेट रहा है, यस कि यस एक्सैक्टली ऑफ एक अवर सेम तो एज. हाँ एक जो ब्राइट ऑब्जेक्ट था स्काई में, कि जिसकी इतनी लंबी हाँ टेल थी, एंड वी कैन से हाँ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉमेट ऑफ द लाइफ टाइम, ह्यूमन लाइफ स्पैन. हाँ तो इससे ज्यादा ब्राइट कॉमेट जो अभी जिंदा हाँ है उन पेडी ने तो बहुत शायद नहीं हाँ देखा होगा. यस. और जो 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 हमारी जनरेशन है 30 बिटवीन 30 एज टू 35 एज, उन लोगों का ट्रिगरिंग पॉइंट हेलबॉक है. और हमारे से एक 10 साल पहले वाला है, हेलीज कॉमेट वाला, जो तन्मय सर है, गौर साहब, योर फादर, दे ऑल, वो उनका जनरेशन का कॉमेट है, ये हमारा का था. तो हाँ, तो उसके बाद मेरा सिलसिला उसके बाद चालू ही रहा. उसके बाद इफ यू से माय फर्स्ट टेलीस्कोप, माय फादर मेड मी बाय अ न्यू टेलीस्कोप इन 2003. यस, इट वाज अपना राजू भाई, राजू भाई हाँ जी, तेजराज हाँ, वाला तेजराज, हाँ मोस्ट जी, कॉमन, हाँ, स्टार यस. ट्रैकर का. क्योंकि यस, क्योंकि क्योंकि भारत में टेलीस्कोप हेलो यानी जतिन. तेजराज उस यस टाइम पर ऐसा था कि हाँ टेलीस्कोप अगर लेना है तो तेजराज ही बनाते थे, या फिर अपना हाँ खुद हाँ हाँ ग्राइंड करके बनाओ, जैसे मेरे उस पापा टाइम ने में हमारा अभी बनाया. जैसा माहौल नहीं था. जो अभी लोग हमको लाइव देख रहे हैं और जो भी अभी एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं, जो जो लोग बहुत बनने वाले हैं, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. ना इंटरनेट था, ना गूगल था, ना कोई अच्छे बुक्स मिलते थे पढ़ने के लिए. नॉलेज का भंडार उस टाइम पे ढूंढना पड़ता था, थोड़ा मिल जाता था, या लेकिन यस. उस टाइम की आपने बात उठाई है तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो कोई भी न्यू जनरेशन है, यानी कि आफ्टर अर्थक्वेक 2001 के बाद जो जन्मे हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है उनको कोई भी नॉलेज गेन करना. हमारे टाइम में, मेरे और निकुंज के टाइम में अगर बात करें, तो क्या होता था कि बुक्स पे या फिर प्रिंटेड कोई स्टार चार्ट की बुक होती थी, वो यस बुक यस लेकर आपको स्काई के नीचे बैठना होता था, एंड देन यू हैव टू इमेजिन कि हाँ, हाँ चार्ट ये लेके. जो यस स्टार है यस वो, हाँ यूजिंग चार्ट. ये पॉइंट हाँ हो सकता है, एंड देन यू हाँ कैन हाँ से हाँ कि ऐसा कुछ शेप बन रहा है, और अगर यस, कोई मैन्युअली नई ढूंढना चीज दिखाई पड़ता दे. हाँ था. हाँ, अभी जैसे ऐप आप ऐसे करते हैं, बोला हाँ ये रहा मून, ये रहा जुपिटर, और कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वैसे नहीं था. बिल्कुल. और यस और ये भी शेयर करूँ कि जैसे कोई नई चीज हमें दिखाई देती तो हमें कोई नॉलेजेबल पर्सन को पूछने के लिए लेटर लिखना पड़ता कि ये यहाँ पर हमने कुछ अजीब सा देखा. हाँ 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 राइट. हाँ हाँ, तो वो यस क्या है, फिर वो लेटर पढ़ते, फिर रिप्लाई आता. तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग प्रोसेस जो हमने की है यस वो न्यू यस जनरेशन को नहीं कोशिश करनी पड़ती, उन्हें उनके लिए बहुत ही ऑन फिंगर टिप है यस बहुत सारी इंफॉर्मेशन. यस. अभी क्या सब लोगों के पास गो टू सो टेलीस्कोप होता है. गो टू में सीधा बटन बिल्कुल. दबाया, ऑब्जेक्ट डाला और वो वहां आपके आईपीस पे आ गया. पहले क्या मैन्युअली बिल्कुल. ढूंढना पड़ता था, कमर दर्द होता था, नेक दर्द पेन होता था, एंड इट वाज वेरी नाइस टाइम उस टाइम पे. आज जब भी मुझे व्यूअर्स मिलते हैं जो हमारे स्टारगेजिंग सेशन में आते हैं, तो उन्हें मैं एक ही सजेशन देता हूं कि इफ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोनॉमी, डोंट बाय कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप्स, गो हाँ विथ यस मैनुअल वन, क्योंकि यस उसके बगैर आपको एक्चुअल जो फन है कुछ ढूंढने का, जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट यस या फिर कोई और एक ऑब्जेक्ट ढूंढते ढूंढते किसी और ऑब्जेक्ट पे चले जाना, वो उसमें नहीं मिलता हाँ, आपके लिए. एग्जैक्टली. यस, सही कल बात है. मेरी बात राहुल से हो रही थी, हाँ और हाँ उसी हाँ बात को मैं कोरिलेट करना चाहूंगा कि आज हम तीन बंदे लाइव पे ऐसे आ चुके हैं कि जिनको जो एस्ट्रोनॉमी है उनके पेरेंट्स की हेल्प की वजह से उनको इंट्रोड्यूस हुई. हाँ यस, ये राहुल ने भी एस्ट्रोनॉमी ऐसा बताया हॉबी कि है. यस, सही हाँ. बात है, एग्जैक्टली. और इसमें पेरेंट्स का फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको तीन चीज आपको देना है, पेरेंट्स को हमको देना है और देते हैं. एक है पैसा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी बोथ आर अ डीप बोथ ब्लैक होल ऑफ मनी. हाँ, तो आर पैसा चाहिए. दूसरा टाइम चाहिए आपको, टाइम देना पड़ेगा, रात में, दिन में, जब भी जो भी इवेंट हो रहा है,
आपको रात को जग के देख जग के आपको देखना है. यू विल हैव टू ट्रैवल टू लॉट ऑफ डिस्टेंस टू सी द मिल्की वे, टू सी द ऑब्जेक्ट्स, टू अटेंड द मेसियर मैराथन, टू अटेंड द स्टार पार्टी. तो और तीसरा आपको आपका खुद का एनर्जी, मतलब वही टाइम एंड एनर्जी दोनों आपको देना पड़ेगा. सब कुछ छोड़ के यू हैव टू लीव और यू हैव टू टेक विथ योर फैमिली एंड पेरेंट्स एंड ऑल्सो. मेरी तरफ से भी मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट खूब रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम. सो अभी आपके रिसेंट फोटोग्राफ पे आते हैं. रिसेंट आपने क्रिसेंट वीनस का फोटोग्राफ लिया था. यस यस. तो बहुत सारे लोगों का ये माइंड में रहता है कि ऐसे प्लेनेटरी फोटोग्राफ हम कैसे ले सकते हैं. सो समथिंग अबाउट दिस फोटोग्राफ एंड टेक्निकल डिटेल्स की बात जो है वो हम बाद में करेंगे. तो सबसे पहले तो ये वीनस के फोटोग्राफ के बारे में कुछ बताइए. ओके, ये फोटो अराउंड चार से पांच दिन पहले ये फोटोग्राफ लिया है. और अभी वीनस अपने पिक क्रिसेंट फेज में हमको दिख रहा है. यू कैन स्टिल वॉच आउटसाइड, इट इज बेस्ट विजिबल. और ये फोटो मैंने अपने डॉप्सलर टेलीस्कोप से लिया है 8 इंच, और बैरलो यूज किया है ताकि हमको और अच्छा दिखे. बाद में प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी और है. हेलो, यस नरेंद्र चौहान भाई, यस थैंक्स फॉर लिसनिंग. सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, मेरा एक तो ये क्वेश्चन था कि सबसे पहला टेलीस्कोप जो था वो आपका कौन सा था, क्या स्पेसिफिकेशन का था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं सबसे पहला टेलीस्कोप कौन सा था. ओके, हाँ वही है वो. सो मैं उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं कि कौन सा ले क्या ले कहा, क्योंकि किसी का आता पता कि कोई कांटेक्ट अवेलेबल नहीं था. तो इन 1999 व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो एक अपना साइंस सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन था अहमदाबाद का. तो साइंस सिटी में कोई इवेंट होने वाला था, तो किसी के थ्रू मेरे को पता चला, तो मैं उधर गया साइंस सिटी में. आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड और देयर आई मेट तन्मय व्यास सर. वो मेरा सेकंड ट्रिगरिंग पॉइंट है जो मेरे को सिखाने में. ही इज माय गुरु. और भी बहुत है, ब्रिजमोहन ठाकुर सर, तन्मय सर, नरेंद्र गौर सर, बट तन्मय व्यास सर से मैं वहां मिला इन साइंस सिटी. और वो एकदम बढ़िया माहौल था. 200 बच्चे वहां पे थे, 200 स्टूडेंट्स, और वो माइक पे थे स्टेज. मैं एस्ट्रोनॉमी का ओपन बुक हूँ, आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए. मैं बोला वाह बढ़िया, ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए. मतलब तो तन्मय राज सर से मिला, उनके कॉन्टेक्ट में आया, और थ्रू तन्मय सर आई गॉट माई फर्स्ट टेलीस्कोप. इट वॉज, हाँ ये रहा फोटोग्राफ है. यस इट इज विजिबल, यू कैन सी. इट इज 6 इंच स्टार ट्रैकर टेलीस्कोप जो विल्सन स्ट्रीट है मुंबई में, राजू भाई तेजराज टेलीस्कोप, उनसे लिया था. एंड दिस वॉज EQ3 माउंट, इक्वेटोरियल माउंट, EQ3 इक्वेटोरियल माउंट, जर्मन माउंट है. राइट नाउ दिस टेलीस्कोप इज नॉट विथ मी, आई सोल्ड इट टू द अदर पर्सन. सो ये मेरा फर्स्ट टेलीस्कोप था. आई वॉज वेरी हैप्पी इन गेटिंग टेलीस्कोप. अरे वाह क्या तन्मय सर आए. बाद में अहमदाबाद में मनोज पाई सर है, दे बोथ केम टू माई होम एंड मेड मी सेट अप ऑल दीज थिंग्स. और द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आई सो थ्रू माई टेलीस्कोप इज वीनस, जो अभी विजिबल है. वो भी फेज, हाँ फेज कंडीशन में था. आई वॉज वेरी हैप्पी, बोला एकदम मजा आ गया करके. सो देयर आई स्टार्टेड. ओके, सो हम अगर बात करें कि फर्स्ट टेलीस्कोप तो आपने ये 6 इंच का लिया, और अभी अगर हम बात करें तो मेड देयर इज सम एरर इन नेटवर्क. ओके, हाँ यस, ओके, या आई एम बैक. सो अभी हम अगर बात करें तो हमारे अहमदाबाद में अंकुर हॉबी सेंटर है, धनंजय सर उनके बेटे, हाँ अद्वैत ने भारत में ही वर्ल्ड क्लास लेवल के टेलीस्कोप्स बनाना शुरू किया है. सो माय रिसेंट परचेज ऑफ टेलीस्कोप इज KYS 6 इंच. हाँ KYS 6 इंच. ओके, यस. सो अगर किसी को भी टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट है, और अभी जैसे हमने
हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर बनो। हाँ यस, आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो नाउ वी आर गोइंग बीइंग आत्मनिर्भर इन फेज ऑफ टेलीस्कोप मेकिंग टू। सो यस, फर्स्ट एस्ट्रो फोटोग्राफ क्या था आपका, कैसे लिया था? फर्स्ट फोटोग्राफ तो मेरे मेरे दोस्त के पास एक हैंडी कैम था सोनी का 2004 में। तो 2004 बोल सकते हैं मेरा स्टार्टिंग ईयर। 2004 में उसका हैंडीकैम था वीडियो के लिए, लेकिन उसमें इमेज मोड भी था जो अच्छा नहीं था उतना, वीजीए मोड था, वीजीए कैमरा जो बोलते थे इनिशियली। तो वीजीए में मैं टेलीस्कोप से लगा के मैं प्लैनेट्स वगैरह के फोटो लेता था, उतना नॉलेज कुछ नहीं था, एकदम ब्लाइंडली कहीं भी। हाँ तो लेकिन आप बोल सकते हैं हाँ, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी में जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद 2009 में मैंने मिल्की वे का फर्स्ट फोटो लिया, मिल्की वे गैलेक्सी का। मेरे विलेज मेहसाना में रनासन गांव है, तो वहां रनासन से मैंने फोटो लिया। तब आई वाज फैसिनेटेड, बोला वाह एकदम शानदार। तो देयर आई गॉट फैसिनेटेड। देन टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी में दूसरा बोले कि डीप स्काई ऑब्जेक्ट। तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट का फोटो हाल ही कुछ ही साल पहले, 5-6 साल पहले, हाँ दिस वन, यस आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब जो है राजकोट में, इट इज आल्सो वेरी एक्टिव, और उनकी स्टार पार्टी में उनके माउंट से ये फोटो मैंने लिया था विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। हाँ तो उसके बाद आप बात करें प्लेनेटरी इमेजिंग की, तो प्लेनेटरी भी अभी वो भी नया नया है। बिल्कुल। So, हम अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं तो एक बात तो क्लियर है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, वो सीखना जो है वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है। यस, और निशान भाई एस्ट्रोनॉमी ऐसा हॉबी है ना और ऐसा पैशन है जिसमें आपको आपका अनलिमिटेड नॉलेज है, आप बस आप थक नहीं जाते उसमें। और एस्ट्रोनॉमी ऐसा पैशन है कि आप ऐसा नहीं कि नौकरी करना है मेरे को, रात को उठ के जाना है, देखने जाना है, इट इज नॉट अ जॉब लोड। वो अपने से खुद से इंटीट्यूट, अंतःस्फूर्णा जो बोलते हैं गुजराती में, वो अंतःस्फूर्णा से आता है कि हाँ मेरे को अभी ये करना है ये वो। और एस्ट्रोनॉमी ऐसा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ विच इंक्लूड्स ऑल ब्रांचेस, मतलब केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग है, एवरीथिंग इज देयर। And you never get tired of astronomy. Yeah. It gives us inspiration. It gives us motivation. It gives us your voice is disturbed. It gives us relaxation. The most important is relaxation. क्योंकि वो 9 घंटा ऑफिस में कहीं भी आप कोई भी जॉब कर रहे हो, ड्यूटी करने के बाद जो रात को आके जो एक बार स्काई में नजर मार लिया, बोला हाँ हाँ ये दो दो चार पांच ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, फिर यू गेट रिलैक्स एकदम। तो इट गिव्स इट रिमूव आवर फ्रस्ट्रेशन टू द नॉर्मल वर्ल्ड, आई कैन से, एंड गिव्स आवर माइंड रिलैक्स। सो मैं एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ, आपकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में कुछ बताइए। दिस वाज द फर्स्ट इमेज, इट वाज 9th May 2016 में दोपहर में, मतलब 45 डिग्री गर्मी में, 45 डिग्री वो रियल फील वाला ज्यादा होगा, एकदम यहाँ से पसीने निकल रहे थे ये फोटोग्राफ लेने में। इट वाज टू हॉट अराउंड शाम को 4-5 बजे, और पूरा दोपहर से हम लोग इसमें वर्कआउट कर रहे थे। दिस वाज वेल प्लान्ड इमेज, वेरी वेल प्लान्ड। 1 month ago I planned it with some with my friends. I went there, रेकी किया, साइड विजिट किया। They were standing on a mountain. These two people are standing on a mountain. ठीक है? Mountain के पीछे, mountain के पीछे sun है। वो mountain पे है। और इन दोनों की straight line में मैं था। And और इनका distance था 0.5 kilometer approximately, 400 to 500 meter. And I executed this shot. और मेरे को अभी भी याद है, वो जो feeling आता है ना अंदर से, मतलब फाड़ दी कैसे बोलते हैं ना लोग, हाँ एकदम मजे में आके। सो दिस वाज दैट टाइप ऑफ इमेज कि द माय मोस्ट मेमोरेबल मेमोरेबल इमेज। और इसमें आप जो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं दैट इज मर्क्यूरी। तो इट वाज अ ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी वाज ट्रांजिटिंग द सन अराउंड द सन डिस्क। या
यस, सो इट इज वंडरफुल इमेज. धीरेन Which इज lens I use? पॉइंटिंग आउट समथिंग. I use a 600 mm lens, Sigma 600 mm lens. And which camera instrument you use, Chirag? Yes, camera was basic entry level camera, Canon 1100D. I still have it, Canon 1100D. हाँ, it was a decade old camera. धीरेन इज पॉइंटिंग आउट वन पॉइंट, इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट. पीपल हाँ फियर हाँ ऑफ हाँ गोइंग टू रिमोट एरियाज एट मिड नाइट, यस वाइल भाई स्कैरी कैरी रिमोट रिमोट प्लेसेज आर लाइक होली प्लेसेज एंड एस्ट्रोनॉमर्स अट्रैक्शन फॉर एस्ट्रोनॉमर्स. यस दे आर यस यस दे आर द होली प्लेसेस फॉर एस्ट्रोनॉमर्स यस राइट दिरेन या हम And लोग one more क्या thing, I would like to connect with that thing कि हाँ हम क्या करते हैं कि mostly जो मंदिर या फिर कोई भी रिमोट लोकेशन पे ऐसा कोई मंदिर हो, तो हम वैसी जगह जो होली प्लेस की बात की, तो यस वी एक्चुअली फाइंड होली प्लेसेस फॉर एस्ट्रोनॉम, चाहे वो यस दरगाह हो या फिर कोई मजार हो या फिर हमारा मंदिर हो. तो यस कहीं पर भी आज तक किसी भी व्यक्ति ने हमें मना नहीं किया कि आप यस इतनी लेट नाइट क्यों आ रहे हो. यस तो अभी जैसे सोलर इक्लिप्स था और दिसंबर में था और जून में फिर से आ रहा है एनुअल सोलर इक्लिप्स, बिल्कुल तो एक कोट याद बिल्कुल आया मेरा, नहीं किसी किसी और से मैंने पढ़ा था कि या गुजराती में मैं बोलता हूँ कि ग्रहण जी दरमियान शालाओं खुली हती, कॉलेजों खुली हती, क्योंकि के ज्ञान ना भंडार से बंद रहता तो खाली मंदिर हो, तो आई कोट यस पर तुम्हें समझी जाओ कि कितनू महत्व है, कितनू साइंस में जी इंपॉर्टेंस है। यस यस. सो यू टोल्ड अबाउट सोलर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स इमेजेस आर हियर. यस 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 दिस आर द यस दिस इज वन ऑफ सो द बेस्ट फोटोग्राफ, आई फील प्राउड कि हाँ चलो मजा आ गया फोटो में। यस एंड यस दिस वाज आल्सो द सो सेम लाइक अर्लियर वन, हमारी वाइफ्स या हैं, देयर इज माय डॉटर ओवर देयर, या एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन अ माउंटेन, ठीक है, माउंटेन में हाफ तक ही गाड़ी जा पाएगा, उसके बाद बिल्कुल आपको आपको पैदल चल चल के जाना है बाय के. वॉक, तो वी कैरीड हर साइकिल ओवर देयर, ओके, जस्ट टू, क्योंकि वो साइकिल फ्रेम में ला रहा था मेरे को। बिल्कुल यस एंड उसके ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि मून का एक शेडो भी दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे अराउंड होगा, यस ऐसा गेस कर रहे हैं। ओ हियर दिस वन. यस 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 एग्जैक्टली हाँ, सो अगर हम बात तो करें कि हाँ यस ये जो आप इमेज दिखा रहे हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि फैमिली जो है वो कितना यस इंपॉर्टेंट है इस टाइप की फोटोग्राफी यस के लिए और एस्ट्रोनॉमी यस की हॉबी के लिए. यस यस एग्जैक्टली सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम योर फैमिली एंड. या माय वाइफ माय डॉटर दे ऑल एंड अलोंग विथ माय पेरेंट्स दे ऑल आर ऑलवेज विथ मी व्हेनेवर आई गो, मे बी इसका बेस्ट एग्जांपल है विथ बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब, तो जब भी उनका स्टार पार्टी या मिशन मैराथन रहता है कि तो मैं आई दे आई डोंट ब्रिंग देम दे कम विथ मी, तो आई एंजॉय दे एंजॉय दे आल्सो एंजॉय विथ अस, डॉटर भी कभी जस्ट कभी दिखाती है, जैसे स्टार गेजिंग इंडिया ने एक वीडियो डाला था, हाँ शी इज माई डॉटर, हाँ जी शी इज वॉचिंग वीनस एट द टाइम इन जनवरी, लास्ट जनवरी का है, एंड मेरा छोटा बच्चा भी है तो वो भी इधर उधर करता रहता है टेलीस्कोप से कैमरे से। जी सो एक और मैं फोटोग्राफ आपका दिखाने जा रहा हूं. हाँ ये फोटोग्राफ हाँ आपने वाह कैसे लिया था? यस रोमांस रोमांस बिकॉज ओवर सुपर मून, हाँ और रोमांस ओवर और लव ओवर सुपर मून, हाँ तो ये था 24 नवंबर 24 नवंबर 2016 या 17, हाँ तो ये भी सेम है, उनके ये जो दो दो कपल है, ये जो एक कपल है उनके और मेरे बीच में अराउंड 300 मीटर का डिफरेंस है और पीछे सुपर मून राइज होने वाला था, आई प्लान दिस शॉट जस्ट लाइक माय अर्लियर वंस कि कहाँ से क्या राइज होगा, मेरे को कहाँ रहना है,
लाइन ऑफ एंगल क्या आएगा, तो दिस वाज ऑल वर्कड आउट कैलकुलेटेड। और बट अभी भी 3 साल, निशान 3 साल हो गया, 3 से 4 साल हो गया इसको, फिर भी अभी भी लोग पूछ रहे हैं ये कपल कौन है। सो दैट आई हैव नॉट गिवन द करेक्ट आंसर बिकॉज अभी अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी ऐसी फोटोग्राफ कब कब आएगी, आप दोनों एज अ कपल ऐसे कोई पिक्चर में हो, वैसा फोटो कब आएगा? ओके वैसा तो जब फिर मेरे को फोटोग्राफर नहीं बनना पड़ेगा, मेरे को बीच में सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। यस सो सो धीरेन इज आस्किंग कि मून इज सो ब्राइट हिल इज डार्क, स्पीकिंग इंग्लिश, ओके वी आर यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके सो इन दोनों का जो इमेज है उनमें बैलेंस कैसे बनाते हो इन बोथ द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड? Okay, so that is the most important part because I love to create both earth and sky image together. So, आप मेरे सारे photographs देखिए, most in major 90-95% of the photograph they are having earth and sky both. Okay. To show the beauty of the earth, to show the beauty of the night sky, along with the earth background. तो उसको बनाने के लिए उसको frame में लाने के लिए थोड़ा पहले से वर्कआउट करना पड़ता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा लाइट यूज करेंगे, नेचुरल या टॉर्च वाला अलग से आर्टिफिशियल। बिल्कुल उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्लानिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो मेरे 4 P है, मैंने अभी भी एक अभी भी वेबिनार था उसमें मैंने बताया 4 P वी शुड फॉलो। एक पहला पी है कि हमारा पैशन होना चाहिए, ये कुछ भी एस्ट्रोनॉमी देखने के लिए फोटोग्राफ करने के लिए वी शुड हैव अ पैशन। सेकंड इज प्लानिंग, एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग होना चाहिए हमारा। तीसरा है परसिस्टेंट, जो हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें हमारा परसिस्टेंसी होना चाहिए। और हाँ पैशन, प्लानिंग, परसिस्टेंट एंड क्या था, प्लानिंग, प्लानिंग, परसिस्टेंट एंड पैशन। यस तो ये सब अचीव करने के बाद आप थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोर्थ पी, परफेक्ट पिक्चर यू विल गेट ओके ओके फॉलोइंग दिस 3 P। परफेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड। यो But not all can make it more aesthetically nice. Huh, this is she's my wife watching. I think it was Jupiter and Moon conjunction. I think Rahul ki us din shaadi thi. Rahul is on right now online. और इस दिन राहुल की शादी थी। आई वॉज वॉचिंग दिस फ्रॉम हिज मैरिज जो कल हमारे साथ थे टॉक में। यस ओके सो सो ऐसी इवेंट की जो फोटोग्राफी है वो, उसके लिए आप सबको मैं बता दूं कि आपको एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ही बढ़िया मिलती है फोटोग्राफी करते हैं and everything they do very well, but they don't know much about astronomy. Yes, so इसके लिए astronomy जरूरी है। Yes, yes. उन सभी से मैं ये request करूँगा कि आप please पहले observational astronomy सीखिए। You can click मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि हाँ अरे यार बढ़िया photography करते हो, कौन सा camera है, कौन सा camera तुम्हारा camera अच्छा photo खींचता है। तो I feel bad कि अगर suppose मतलब किसी ने बोला भी है कि तुम्हारा कैमरा अच्छा फोटो खींचता है, अभी आप 24 पीपल आर ऑनलाइन, अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा तो यू फील बैड। तो उनके लिए आप उनको ऐसा रिप्लाई दीजिए कि घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी मम्मी कैसे खाना बनाती है, सबकी एकदम शानदार, सबकी मम्मी शानदार खाना बनाती है। जी, तो जी, हम जी. ऐसा बोलते हैं कि स्टोव अच्छा है, स्टोव ने अच्छे से गर्म किया इसलिए खाना अच्छा बना है। फूड मम्मी बनाती है, स्टव नहीं, स्टव फूड बनाने के लिए उसका एक मीडिया है यूज। तो कैमरा, इन शॉर्ट कैमरा इज अ मीडिया, कैमरा इज अ मीडियम टू टेक द फोटोग्राफ।
but we ultimately photographer takes the photograph. He makes the photograph. Mm-hmm. He doesn't take it. agree with you. Please share some technical details about planetary photograph. पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये तीन फोटोग्राफ तीन एक साथ नहीं लिया है, दे आर ऑल सेपरेट, और जस्ट आप खाली दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए तीन को मर्ज किया है. और यस यस धीरेन, यस फोटोग्राफी इज अ स्किल ऑफ पर्सन. यस यस यस. सो इसमें सेम मैंने अपना डॉप्सन एंड टेलीस्कोप से बैरलो लगा के, दो बैरलो लगाया, दो बैक टू बैक बैरलो, यानी 2x × 2x 4x बैरलो. और इसका ये मैंने वीडियो वीडियो में नहीं लिया है, दिस आर ऑल सिंगल शॉट इमेजेस. वाओ वंडरफुल. सो फर्स्ट इमेज जो आपने ली थी, यस माउंटेन माउंटेन मोस्टर फोटोग्राफ फोटोग्राफर is the artist. Yes, yes, Chatin is the artist and mountain monster. Yes, jab aisa bolte hain unko actually pata hi nahi hota ki photography kaise hoti hai. Yes, yes, but aise negative people aapko milenge, you will have to face them. Haan Nishant, yes, ye tino ke tino planet early morning mein visible hai. Yes, haan ye tino early yes, raat ko 12 baje ke baad Jupiter and Saturn rise ho jayega aur Mars thoda aur 1-2 ghante baad. तो आप अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको तीनों प्लैनेट्स मिलेंगे टुवर्ड्स ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट टू ज़ेनिथ. यस. हां हां. सो ये जो एस्ट्रोफोटोग्राफी का जो इम्प्रूवमेंट है वो आपने कैसे सीखा? जैसे हम बात करें कि आपने फर्स्ट एस्ट्रो फोटोग्राफ लिया होगा तो उसका लेवल कुछ अलग होगा, और वहां से जो आज इतनी फाइन आप फोटोग्राफी करते हो तो वो लर्निंग प्रोसेस क्या था उसके बारे में कुछ? लर्निंग प्रोसेस मैं बताता हूँ. ये अल्प पटेल लिख रहे हैं, निकुंज सेड वेरी गुड एग्जांपल, मेक अंडरस्टैंड दैट द कैमरा इज ऑब्जेक्ट यस बट द स्किल इज समथिंग स्पेशल एडेड विद नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी. यस एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड. यस एंड पीपल आर राइटिंग के दे आर वॉचिंग द प्लैनेट्स. यस गौरव. यस गौरव. Gaurav, me too. I'm waiting for his something new, extraordinary. June 21st, June ma, the lockdown to khuli gayu chhe, but it is not safe to travel. Abe, let us see what happens next month. Yeah. हाँ तो जे okay Nishant, तो मैं पूछता था हमारा. I was actually astrophotography. That astrophotography. Hello. Yeah. Now it's okay. Okay. Yeah, now it's okay. Astrophotography is a deep black hole of money. पहली बात तो एक है कि you need a tracker, you need a good lens, low aperture, good wider aperture lens. You need a tripod. You need a torch. You need then you will be needing intervalometer and remote control. Then if you have a manual telescope, you will need a go-to motorized telescope. And it will go on and on. It will never get exhausted. So you will have to manage within the your limits, your budget limit. Yeah. लगभग आपने 1997 थी जेम के 23 वर्ष आपने थे गया आप एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्ट करियो एरा पछीना फील्ड में. सो लास्ट 23 इयर्स में आपने आपरू जेटू जितना हमारे पास है उसका हमको लिमिट हमको We should know our limit. मालूम होना चाहिए हमको कितना यूज करना है और हमको कितने में खेलना है. बिल्कुल. एंड सेकंड इन एस्ट्रोफोटोग्राफी एक ऑब्जेक्ट आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा बहुत कुछ होगा कि फिर जो ब्रेक जो है वो आपको लगाना है कि आप. हेलो रूपल भाई. यस विद्या रूपल जी. हेलो. हाँ तो और एस्ट्रोनॉमी आपको नॉलेज जरूरी है फोटोग्राफी के लिए. अभी बहुत लोग पूछ रहे अरे मिल्की वे कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा उधर दिखेगा, तो मतलब दे शुड मतलब आई एनकरेज देयर पैशन बट दे शुड फर्स्ट लर्न समथिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी बेसिक, तो बाद में यूज्ड टू हो जाएंगे तो दे कैन लर्न मोर बेटर. और ये एक एस्ट्रो फोटोग्राफी ऐसा हॉबी है, ऐसा पैशन है कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. तुम्हारे इतनी बड़ी धीरज जो है, यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस.
for executing the shot, because the exposures are always longer. It goes up to hours and hours, full night Hours the and hours. exposures go on. And then exposures is the first part. Second part is you need to process It's a them. processing. So that is more tedious, and that is more time taking. So it is not that कि हाँ मैंने एस्ट्रोनॉमी जान लिया तो मैं फोटोग्राफी जान लूंगा, नहीं. तो यू नीड टू लर्न फोटोग्राफी. फिर तीसरा ऐसा भी है कि फोटोग्राफी भी मैंने जान लिया तो आई एम द किंग. उसके बाद आपको प्रोसेसिंग जानना है, थोड़ा बिल्कुल बेसिक, उसके बाद थोड़ा एडवांस भी आता है. तो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न ऑल दिस थ्री थिंग, एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट, देन फोटोग्राफी सेकेंड, फोटोग्राफिकल टेक्निकल चीज, और थर्ड इज प्रोसेसिंग पार्ट. इन इन सॉफ्टवेयर आप कैसे उसको शोकेस करते हैं, कैसा डेटा जो है आपका डेटा कैसे आप स्ट्रेच करते हैं, कितना डेटा आप बाहर लाते हैं. तो मैनी एलिमेंट्स आते हैं. और जो मेरा फोर्थ पी है वो जो रह गया था, तो फोर्थ पी है पेशेंस. सॉरी, आई वाज टोटली आउट ऑफ माइंड. तो प्लानिंग, प्लानिंग, पैशन, पेशेंस एंड परसिस्टेंट. दैट्स वंडरफुल थिंग यू टोल्ड. सो अभी जो कोई भी हमें व्यू देख रहे हैं उन सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेगुलर एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट्स चाहिए सो कीप फॉलोइंग अस एट निकुंज रावल एंड स्टारगेजिंग इंडिया. तो दोनों जगह से आपको कुछ ना कुछ नया एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड हमेशा मिलता रहेगा. मेरा मेरा पोस्ट मोस्टली एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड ही रहता है सारा. सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू वेयर इन इंडिया इन दिस दी फोटोग्राफ. हाँ, एक मिनट निशांत, जस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्चरिंग बी फोटोज एन सर? यनेश, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्चरिंग फोटोज सर? एवरीवन डज इट. यस, द इंपॉर्टेंस इज अप टू यू. इट मींस हाउ मच इंपॉर्टेंट यू वांट टू गिव टू योर फोटोज. दैट इज, इट इज योर ओन स्किल. मैं यही बोलना चाहूंगा. मैं अपने लिए ही कर रहा हूं. आई एम डूइंग एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफी फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स. इट इज माई पैशन एंड आई एम परस्यूइंग इट वेरी नाइसली. I keep on learning, I keep on buying the new equipments, I keep on learning the new techniques, and I publish it. If anyone likes it, then it's fine. So it is for our own. Yes. Yes, and one more thing I would like to share about clicking the photographs. कि एस्ट्रोनॉमी एक फील्ड ऐसा है कि जिसमें आप अगर कुछ काम कर रहे हो देन यू माइट Yes. नॉट नो कि आगे क्या सरप्राइज मिलने वाला है. जैसे कोई फजी स्पॉट आप स्पॉट कर रहे यस हो यस एस्ट्रोनॉमी करते वक्त, वो शायद कॉमेट भी हो सकता है. कई पास्ट इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि दे आर डूइंग समथिंग एल्स एंड दे स्पॉट न्यू कॉमेट फॉर देम. ओके सेकेंड यस थिंग यस कि जैसे आप कोई भी फोटोग्राफी कर रहे हो और उस टाइम पर अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो उस इमेज की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ हाँ. जाएगी. और एस्ट्रोनॉमी एंड फोटोग्राफी दोनों में बहुत बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि आप एक्सट्रीमली लो लाइट कंडीशन में फोटोग्राफी कर रहे हैं. तो लो लाइट में आपको एकदम, आपको 100% होना चाहिए. आपका एक थोड़ा भी वाइब्रेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसको एग्जीक्यूट करने में. आपको ट्रैवल करके दूर जाना पड़ेगा. सपोज आई लिव इन जामनगर, इन मोटी खावड़ी. तो मोटी खावड़ी के तो पास बहुत दैट बड़ा एरिया इज रिफाइनरी है, रिलायंस. हाँ, रिलायंस कंप्लीटली रिफाइनरी है, एसआर रिफाइनरी है, सिक्का में डीसीसी रिफाइनरी है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे जीएसएफसी वगैरह. सो आई लिव, जो मेरा बोटल स्काई जो बोलते हैं, स्काई का जो नाइट स्काई का जो यूनिट है वो बोटल है. बोटल 1 यानी बेस्ट स्काई, बोटल 7 यानी सबसे वर्स्ट स्काई. मैं बोटल 7 स्काई में मैं रह रहा हूं अभी, जो सबसे खराब स्काई है मेरा. बट सो आई ट्रैवल लॉट. आई हैव टू ट्रैवल टू 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर टूवर्ड्स डार्क एरियाज. और ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से डिरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां हाँ से भी हाँ यस जाओगे अगर आपके ईस्ट में वो लोकेशन है तो इवन हाँ आफ्टर हाँ वो 100 सब किलोमीटर ऑफ ट्रैवलिंग उसकी लाइट हमें डिस्टर्ब करती रहेगी. तो
यस यस तो अगर एग्जैक्टली, आपको यू हैव टू स्पेस बी का वेरी स्पेंड कैलकुलेटिव. करना है हाँ तो वेरी कैलकुलेटिव. या तो इसलिए मैं तो बोला जो प्लानिंग है इम्पोर्टेंट है. प्लानिंग अगेन आई एम सेइंग प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. आप अगर एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको राइज टाइम जानना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट का. सब तो वो मिल्की वे है, बिल्कुल कब राइज होगा, कब सेट होगा, कौन सी डायरेक्शन में रहेगा. यस. यस सो यू आर इन कच्छ, शेयर योर एक्सपीरियंस समथिंग अबाउट कच्छ एज अ कच्छ. यस पर्सपेक्टिव कच्छ ऑफ टूरिस्ट एंड एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमर, Yeah, I दोनों visited की. Kutch for the two times during my lifespan. I visited Kutch only for two times. Once in 2007, सेवन 13 years यस back, and there I met your father. I came to your या home with one of my friend, and I met your father. We had a very nice meeting together, and then I visited last year. So both the time I lived there for a week. And night sky is amazing, very amazing night sky. या एक्चुअली वी आर लिविंग इन हेवन. भूज से करीब 15 किलोमीटर यस दूर जाओगे तो बहुत ही प्यारा सा डार्क स्काई मिलेगा आपको. यस. तो जो भी दोज हु आर वॉचिंग अस और दोज हु विल बी वॉचिंग अस लेटर ऑन, यू डू विजिट कच्छ, मोस्ट अमेजिंग प्लेस. यस. सो कच्छ नहीं बिल्कुल देखा तो कुछ नहीं देखा. यस yes. बिल्कुल समथिंग द मोस्ट अट्रैक्टेड फ्रॉम कच्छ. हाँ वही. हाँ या नो प्रॉब्लम. ओके सॉरी, माय ब्लूटूथ का बैटरी खत्म हो गया. ओके नो प्रॉब्लम. सो नाउ यू आर लुकिंग लाइक म्यूजिकल एस्ट्रोनोमर. ओके ओके आई एम अ डीजे. आई एम गला आई एम अ या डीजे. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ कच्छ, इफ यू हैव एनी पिक्चर्स यू वांट टू शेयर विथ अस. कच्छ पिक्चर करेंटली निशांत, आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट. ओके आई ओके ओपन इट्स नॉट नॉट द बिग डील. लेटर. तो समथिंग अबाउट यू लाइक टू शेयर विथ ऑल व्यूअर्स. वेर द नेम कच्छ कम्स फ्रॉम. ओके भारत या वैद्य. आई एम कच्छ नॉट अवेयर. कच्छ कच्छ इज बिकॉज ऑफ इट्स शेप. इट्स अ जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल कंडीशन इज लुकिंग लाइक अ कच्छ. कच्छ मीन्स कच्छप, यस जो कछुआ होता है उसके जैसे शेप की वजह से उसका नाम है. यस ओके सो जो ओके व्यूअर्स व्यूअर्स हैं उनके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो हम एस्ट्रो फोटोग्राफी ओके. अल्प रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो पटेल, हम दिस ले इज सकते हैं. अल्पेश पटेल. थैंक्स टू एंडोर्स द कमेंट. ओके थैंक यू अल्पेश भाई. प्लेनेट की फोटोज जो आपने बताए वो कलर नेचुरल है. यस दिस कलर्स आर नेचुरल. यस एब्सोल्युटली नेचुरल. यस यस ए इफ यू कैन हाँ एक सी दीज कलर्स विथ योर टेलीस्कोप. हाँ नॉट टेलिस. यू कैन गेट सम ग्लिम्स ऑफ विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, बट विथ टेलीस्कोप यू कैन एक्चुअली सी दीज काइंड ऑफ कलर्स. रेस्ट यस ऑफ द दे आर ऑब्जेक्ट्स विल एक्चुअल. लुक इन अ ब्लैक एंड व्हाइट टोन वेन यू सी यस थ्रू द टेलीस्कोप, बट वेन यू यस सी दीज प्लैनेट्स वी कैन सी एक्चुअल कलर एंड एक्चुअल टोन ऑफ दीज प्लैनेट्स. यस 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 जतिन, हमने पहले ही निकुंज का एक गाना चला दिया था. सो निकुंज एक और गाना हो जाए. ओके जतिन. ओके जतिन माने घबरा ही रहे से. यू आर सर्चिंग फॉर द सॉन्ग दिशा. नो आई एम सर्चिंग फॉर योर पिक्चर दिस वन. ओके हाँ ये.
एक आसमान का गाना है, वो मैं गाना जिसमें आसमान वर्ड आता है इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। एस्ट्रोनॉमर्स ऑलवेज फॉलो दिस काइंड ऑफ स्मॉल वर्ड्स. ओके दी योर फोटोज आर ऑसम, थैंक यू डी एन यनेश, ओके थैंक यू सर। यू शेयर इट विथ इंस्टीट्यूट्स टू स्टडी? नो आई डोंट शेयर इट विथ इंस्टीट्यूट्स। ओके एक आसमान के ऊपर गाना है, एक छोटा सा लाइन मैं गा देता हूँ। तू है आसमां में, तेरी ये जमीन है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा भी है, तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत तू आशिकी है, तू आशिकी है। थैंक यू। वाओ इट्स ब्यूटीफुल. तो तू है आसमां में, क्वानोफाई. हाँ तू है आसमां में, तेरी ये जमी है। तो आसमां में तू है मतलब एस्ट्रोनॉमी आसमां में है और जमी पे हम लोग हैं। हमेशा एस्ट्रोनॉमर, हमेशा एस्ट्रोनॉमर। वाओ वंडरफुल कनेक्शन ब्रो. किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज यू गाइस कैन शेयर विथ अस. तो हम अभी जो कोई क्वेश्चंस हो, टेक्निकल क्वेश्चंस हो, तो हम उस पर बात कर सकते हैं. आप कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या लैंग्वेज शुड बी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कच्ची. उसके अलावा कौन सी आती है निकुंज? नहीं, कॉलेज में मैं एक बार जर्मन सीखा था, अराउंड 6 महीना, से फॉर क्या 6 मंथ बात आई है. लर्न द जर्मन लैंग्वेज। बाकी मतलब 15 साल हो गया। आई ओनली रिमेम्बर नाइस टू मीट यू, जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉथ मिक्सी कैनन्जू लेनिन। तो नो मराठी। मराठी थोड़ा बहुत मैं समझ जाऊंगा, लेकिन हाई एंडेड मराठी थोड़ा मुश्किल है. ओके ओके थैंक यू श्वेता धवल रावल। सो श्वेता जो जो श्वेता श्वेता धवल रावल इज माय सिस्टर एंड शी इज वॉचिंग दिस अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स। दे आर एट गांधीनगर। या सो दे आर एंजॉइंग अस। हेलो हेलो अंकल आंटी, कैसे हो सब? यस हेलो। व्हाट इज यूज ऑफ बार्लो लेंस? बेलो सो लेंस, जतिन इज बेलो आस्किंग. या बेलो मल्टीप्लाइज योर मैग्निफिकेशन। इफ यू आर यूजिंग अ 1200 mm फोकल लेंथ और से 1000 mm फोकल लेंथ, इफ यू यूज अ बार्लो इट विल बी 2000, इट विल डबल योर फोकल लेंथ। यस बट इट विल लुक्स लाइक अ डिजिटल जूम. जैसे हमारे कैमरे में हाँ क्या होता है डिजिटल जूम, कि एक तो ऑप्टिकल जूम होता है, दूसरा ये डिजिटल जूम डिजिटल होता जूम है. होता है। तो डिजिटल जूम में क्या होगा कि पिक्सेल थोड़ा फिर आपका क्रैक होने लगेंगे, तो सिमिलर फील जो आपको है वो बार्लो में आएगा. जो टेलीस्कोप का आपका बेस मैग्निफिकेशन है उसे वो मल्टीप्लाई करता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ उसकी जो डिटेल है वो थोड़ी सी लॉस होती हुई आपको नजर आएगी. यस बट यस स्टिल डिटेल बार्लो लॉस इज हो जाएगी। फैंटास्टिक, फेबुलस टू वॉच फेंट ऑब्जेक्ट्स एंड प्लैनेट्स स्पेशली. यस यस डेफिनेटली यस। शो द बीआरएल स्टार, व्हाट इज या आई एम गोइंग प्रियंक टू इज देयर। शो यू. ओके इट वाज अमेजिंग एंड यस स्लीपलेस नाइट। यस यस प्रियंक, माय सेल्फ प्रियंक एंड नरेंद्र गौर अंकल एंड चरितार्थ चरितार्थ व्यास, वी ऑल 4 पर्सन वर देयर 3 4 years बैक इन माउंट आबू इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इट इज अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट, दो एवरीवन विल नॉट गेट गेट चांस टू विजिट देयर, यू नीड अ सेपरेट या परमिशन। मुझे 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 छोड़कर चले गए थे, याद है मुझे. तुम नहीं आए थे? यस निशांत वॉज नॉट देयर। थैंक्स.